हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं पास्ता एंड फ्राइज़ पे। तो चलिए देखते हैं। तो आपके पास मेन्यू में क्या क्या है? मेन्यू में पास्ता है, चाप है, वेज चाप है, सैंडविच है, पिज़्ज़ा है। तो पास्ता में आप दिखा सकते हो कौन सा है? पास्ता में ये इतने टाइप के पास्ता है। तो इतने टाइप के पास्ता है, तो इसमें से सबसे मेरा फेवरेट है जो है वो पिंक पास्ता है, क्योंकि ये बेसिकली मैं कॉलेज टाइम से खा रहा हूँ। तो एक पिंक पास्ता कर दो। तो सर, ये आपका स्टॉल कब से है? 2008 से। एक बार आप बता दो। कैंप एमजी रोड बिहाइंड अरोरा टावर। ये कैंप में एमजी रोड में है। एमजी रोड में जो अरोरा टावर है, अरोरा टावर के एग्जैक्टली बैक साइड पे है। तो देख सकती है, टोटली खाऊ गली है ये। तो कितना क्राउड है पब्लिक का। तो चलिए पिंक पास्ता ट्राई करते हैं। तो ये क्या है? बटर। तो बटर डल चुका है। ये वेजीज है, ऑनियन आ रहे हैं, तो वेजिटेबल्स और ऑनियन आ चुके हैं। तो फाइनली इसमें मिल्क आ चुका है, जो कि पिंक पास्ता ये व्हाइट सॉस से ही बनता है, तो उसके लिए मिल्क बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ये क्या है? तो आपने आप ऑलरेडी बना के रखते हो क्या? ओके, तो ये इनका व्हाइट सॉस है जो ये पहले से रेडी करके रखते हैं। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अपना पिंक सॉस पास्ता फाइनली बन चुका है। तो इसके ऊपर अभी क्या आएगा? और तो और भी बाकी है। तो दोस्तों, ये अमूल का चीज़ डाल रहे हैं, ये स्पेशली अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अलग अलग ब्रांड के जो चीज़ें वो यूज़ करते हैं, और अमूल ब्रांड तो सबको पता ही है कि कितना हाइजीनिक है। तो अपना पिंक सॉस पास्ता रेडी है। थैंक यू। इधर 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 कट कर। तो फाइनली हमारा जो पिंक सॉस पास्ता है वो आ चुका है, देख सकते हैं। बहुत ही हेवी लोडेड है ये स्पेशल, क्योंकि ये मेरे कॉलेज के दिनों का एक मेमोरी बोल सकती है, क्योंकि मैं कॉलेज में बहुत खाता था। तो चलिए ट्राई करते हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना सॉसी और जूसी। तो चलिए ट्राई करते हैं। बहुत ही गर्म है। मैं एक बार आपको इसकी कॉस्टिंग बता देता हूँ। इसकी कॉस्टिंग है 140 रुपीज़, जो कि इसके हिसाब से बहुत ही ओके है। जैसे कि पुणे जैसे सिटी में ये 140 में अवेलेबल है, तो ज़रूर ट्राई करिए। सुपर दोस्तों, ये मेरा हाईली रिकमेंडेशन है अरोरा टावर के यहाँ। तो ये मैं कॉलेज के टाइम से खा रहा हूँ, तो वो टेस्ट आज भी बरकरार आ रहा है। लाइक मैंने कॉलेज छोड़ के अभी 4 साल हो चुके हैं, फिर भी उसकी टेस्ट वैसी है। तो ये कभी आए कैंप में एमजी रोड में तो ज़रूर ट्राई करिए। तो दोस्तों, ये यहाँ पे वेजेस देख सकते हो आप, क्योंकि अच्छे से कुक है। देखो वेजेस है इसमें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चाहिए। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय।